नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया, आपके साथ स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में। शुरुआत करते हैं यूपी तमाम बड़ी खबरों से। यूपी के सहकारिता मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कानपुर देहात पहुंचकर कलेक्ट्रेट ग्राउंड में पीएनजी और सीएनजी गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान जनपद के अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिमा शुक्ला, रसूलाबाद विधायक निर्मला संखवार सहित अन्य पदाधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल नवे नगर गैस वितरण परियोजना के अंतर्गत पीएम मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से 129 जिलों में 65 भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास किया। साथ ही 10वें नंबर पर गैस वितरण परियोजना के कार्य का भी शुभारंभ किया। इसका लाइव प्रसारण कानपुर देहात सहित अन्य जनपदों में भी किया गया। इस परियोजना के शुभारंभ से प्राकृतिक गैस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। इसमें देखिए, ये कुल मिला के ये चीज ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपना सोच है वो एक बहुत बड़ा है। वो हर घर को, हर आदमी को एक सस्ती ऊर्जा विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऊर्जा सस्ती भी है और साथ ही साथ इसमें प्रदूषण भी कम होता है। इसका धुआं आपको दिखता नहीं है और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत कम होती है, तो क्लीन भी है, ग्रीन भी है और चीप भी है। इस योजना का लोगों तक कैसे लाभ पहुँचा? लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ किया गया है। अभी भारत सरकार की कई कंपनियों की लाइनें, बड़ी बड़ी लाइनें, गैस की लाइनें हैं जो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक गई हुई हैं। हमें एक जगह जगह लाइसेंस दिया गया है इसी जगह के लिए, स्पेसिफिक जगह के लिए, कि आप लाइन से, मेन लाइन से कनेक्शन लें और जो उपभोक्ता हैं, छोटे उपभोक्ता हैं, उनको सप्लाई करें। जैसे आपने देखा होगा कि बिजली के बड़े टावर होते हैं, उनसे आती है बिजली, वो फिर छोटी लाइनों में बदल जाती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम वही चीज़ है, वो बड़ी पाइपलाइन है, वो 4-4 फीट 5-5 फीट डायमीटर की पाइपलाइन है, उसके अंदर बड़ी बहुत सारा गैस आती है, उससे टैप करके हम आपको दिलवाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी का तो अपना सोच यही है। जैसे इसके पहले उन्होंने उज्ज्वला योजना तो लागू की है ना, तो मैं समझता हूँ कि उज्ज्वला के लिए सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट होगा ये, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसमें सिलेंडर लाओ ले जाओ ये भी नहीं है। किन प्रकार के लोगों को फायदा मिलेगा? सबको, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर आदमी जो उस क्षेत्र में रहेगा, जो क्षेत्र जहाँ लाइन गुजरेगी उस क्षेत्र में जितने भी आदमी होंगे सबको बराबर से कनेक्शन मिलेगा। एक अद्भुत जो नेचुरल गैस का शुरू किया है, पूरे भारत में 61 स्थानों पर शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों में से आपके कानपुर देहात को भी ये सौभाग्यशाली माना गया है। सारी योजनाएं आज से शुरू हो रही हैं और बहुत जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। किस तरह का फायदा इससे लोगों को मिलेगा, लोगों को? अब नंबर एक तो ये सभी जहाँ जहाँ ये गैस का है उन सारे गांव उसमें अब वो सिलेंडर नहीं ले जाना पड़ेगा, ये नेचुरल गैस पहुंचेगी। और साथ ही साथ जो उसका कैरिंग का है और सारा वे है, जो अतिरिक्त खर्च हो जाता था वो सब बचेगा और सारे लोगों को इजीली ये उपलब्ध हो जाएगा। ये आर्थिक दृष्टि से भी इसका लाभ है, पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभ है और उपलब्धता की दृष्टि से भी इसका लाभ है। कब तक मिल जाने की आशा? बहुत शीघ्र। पीएम नरेंद्र मोदी देश में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को चलाकर हर घर में शौच मुक्त करने का सपना देख रहे हैं और उन्हीं के अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगाने में तुले हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण श्रावस्ती जिले के ग्राम पंचायत इटवरिया से सामने आया है, जहां के एक भी घर में शौचालय नहीं बना, फिर भी गांव के 381 लोगों के नाम फर्जी तरीके से शौचालय के रुपयों को निकाल लिया गया। ताजा मामला जिले के विकास खंड इकोना के ग्राम पंचायत इटवरिया का है, जहां बीजेपी सरकार आने के बाद श्रावस्ती जिले में हर घर में शौचालय निर्माण कराकर पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त कराने के सपने को दिखाया गया। लेकिन जब ग्रामीणों ने वर्तमान ग्राम प्रधान से मिलकर शौचालय बनाने की मांग की, तो पता चला कि गांव के 381 लोगों के नाम पर 2012 में ही शौचालय दिया जा चुका है। हमारी टीम ने जब इटवरिया गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव के एक भी घर में शौचालय नहीं बना है। गांव के सभी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हों या बहु बेटियां।
ग्रामीणों ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसका आरोप लगाया। बौखलाए ग्रामीणों ने जिले के डीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम तक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। सर, जब हमारे यहाँ शौचालय का मामला है तो हम लोग शौचालय प्रधान से मांगने लगे हम लोगों को शौचालय दिया जाए, तो उन्होंने बताया कि तुम लोग शौचालय पा चुके हो। तो हम लोग कहा कि हम लोग शौचालय पाए ही नहीं, कैसे आप कह रहे हैं पा चुके हो? तो उन्होंने कहा पा लिए हैं, पा गए हैं। तो हम लोगों ने इंटरनेट की सूची निकलवाया तो उसमें 381 नाम खारिज हैं जो शौचालय पा चुके हैं। तो हम लोग ने डीएम के पास गए और कहने लगे कि सर श्रीमान जी, हम लोग शौचालय पाए ही नहीं, प्रधान लोग कह रहे हैं कि पा गए हैं, तो हमारे पास सूची है, देख लीजिए, हम लोग पाए ही नहीं। तो उन्होंने कहा जाँच करवाएंगे। आज तक ना तो कोई जाँच करवाया, ना कुछ कार्रवाई किया गया, हम लोग वैसे घूम रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर ये पैसा पूरा खा लिए हैं और किसी को नहीं दिए। हमारे यहाँ पिताजी का नाम बता रहे हैं लिस्ट में, हम तो देखे नहीं अभी, और बता रहे हैं आपका भी नाम लिस्ट में है। हमारे भाई का नाम है, किसी पैसा नहीं मिला, ना लेट्रिन हमारे पास है। हम लोग बाहर खुले मैदान में जाते हैं, लेट्रिन जाते हैं, और यहाँ प्रधान जो है सेक्रेटरी, ये लोग कुछ नहीं करते हैं गाँव सभा के लिए। पूरा टोटल जितना पैसा है और जितना है सब फ्रॉड वाला काम करते हैं। 381 का शौचालय दिखाया जा रहा है बेसलाइन सर्वे 2012 के अनुसार। उसमें ये रोका गया है कि जिनको पूर्व में दिखाया गया है शौचालय दिया गया है 2200 या 1500 जो भी था उनको अभी नहीं देना है। उनसे जो वंचित करा उनको दिया गया है। हमारे पास इंटवलिया का 150 लक्षा आया है, जिसमें 50 पहले बट गया था और 100 पर काम कर लिया। अभी तो यहाँ के ग्रामीण ये आरोप लगा रहे हैं कि 381 शौचालय निकाल लिया गया और अब जब शौचालय बनने की बारी आई है, हम लोगों को ज़रूरत है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ये आदेश है कि हर घर में शौचालय बने, तो आखिर में उनको इससे अलग क्यों किया जा रहा है? सर, ये तो एक लिस्ट आई सी सोसाइटी, उसमें मना कर दिया गया है कि जिनका नाम 2012 के बेसलाइन सर्वे में है उनको शौचालय भी नहीं देना है। अब जैसा वहाँ निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा। ग्रामीणों की इसमें क्या गलती है? उनको तो ना पैसा मिला ना उनको शौचालय मिला। कोई गलती नहीं ग्रामीण की, ग्रामीण की कोई गलती नहीं है। ग्रामीण ये बता रहे हैं कि हमने, कुछ लोग लाभार्थी बता रहे हैं कि हमारा बना था इतना था, कुछ बाकी ज़्यादा लोग यही बता रहे हैं कि हमको नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन 33,000 लोगों के नाम से फर्जी तरीके से कागजी कलम को पूरा कर अधिकारियों और कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए का गबन कर लिया और आरोप उन लाभार्थियों पर लगा दिया जिन्हें शौचालय कभी मिला ही नहीं, जिससे स्वच्छ भारत मिशन के दौरान मिलने वाले शौचालय के लाभ से वो वंचित रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजखबर। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जनपद जालौन के राजपूत रिसोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कारगर मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जय कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री जय कुमार जैकी ने बताया कि इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाएगी। लाभार्थी राष्ट्र के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी और निजी चिकित्सालयों में आधार कार्ड या पहचान पत्र के माध्यम से सुविधा प्राप्त कर सकता है। अभी तक पूरे प्रदेश में लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। जनपद जालौन में 1,03,682 लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं, जिसमें 70,699 लाभार्थी ग्रामीण और 32,983 शहरी लाभार्थी हैं। इस योजना में 1,350 प्रकार के मेडिकल पैकेजों की सुविधा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के पत्र वितरण का ये समारोह। आज आयुष्मान भारत ने पूरे देश के अंदर 10,74,00,000 लोगों को, परिवारों को चिन्हित किया गया है। उसमें लगभग 50 करोड़ लोगों को इस भारत में, मतलब कुल आबादी का 45% लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 1,18,00,000 परिवारों को इसका लाभ मिलना है और जनपद जालौन के अंदर जिन्हें लाभ मिलना है वो 1,03,682 लोगों को इसका लाभ मिलना है। ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे, मैं समझता हूँ कि जिसकी बहुत नितांत जरूरत थी इस प्रदेश के गरीबों के लिए, लाचार लोगों के लिए, जो अपने आर्थिक संकटों के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते थे, आज इनके चेहरों पर जिस तरीके से मुस्कान आई है, ऐसा लगता है कि मानो हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री
एक भगवान के रूप में उतरे हुए हैं, गरीबों के भगवान के रूप में उतरे हैं, ऐसा यहाँ के गरीबों का महसूस होता है। वृंदावन में कार्तिक मास पर्व की रास पूर्णिमा पर माँ योग माया प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया, जिसमें एक बार फिर भक्तों को माँ योग माया के दर्शन हुए। बता दें कि प्राचीन गोविंद देव मंदिर स्थित वाय और गर्भगृह में विराजमान पाताल देवी के नाम से मशहूर माँ योग माया के दर्शन भक्तों को सिर्फ चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और कृष्ण पक्ष नवरात्रि में ही सुलभ होते हैं। बताया जाता है कि कार्तिक मास की रास पूर्णिमा पर ही इस स्थान पर माँ योग माया की प्रतिमा स्थापित होती है, जहां माँ योग माया के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। मंदिर प्रबंधक के गर्भगृह में विराजमान माँ के दर्शनों के लिए भक्तों को कतारबद्ध कर दर्शन सुलभ कराए गए, जिसके चलते मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी। मेरा नाम प्रिया विश्वास है। आप कहाँ से आए हैं? आप कलकत्ता से। कलकत्ता से आप कौन से मंदिर के दर्शन करने आए हो? योग माया जी का। आज आपको मालूम है इनका जन्म दिवस है आज, योग माया जी का, तो किस तरीके से आप इनको जन्म दिवस की बधाई दोगे? दर्शन करके थोड़ा सा कृपा मिलेगा। और कुछ बोल करके, जैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे योग माया जी, ऐसे कुछ के कुछ नहीं बोलते? कैसे करके बधाई दोगे फिर आप? हम लोग कृपा करना योग माया जी, पूर्णमासी योग माया, जो अवतन गठन प्रतियोशी है, जो मेरा जीवन में कोई असुविधा होगा तो योग माया जी जो दूर कर लेगा, कृष्ण भक्ति देगा, कृष्ण की कृपा मिलेगा। श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनके द्वारा की गई थी। आज योग माया जी का जन्म दिवस है आज। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका जन्मदिन है, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई है। किस तरीके से आज पूजा अर्चना की गई सुबह? कुछ ये सुबह पहले तो पाठ होता है उनका, योग माया का स्तुति की जाती है। चलो इसको जो श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरीके से श्रद्धालुओं को, क्योंकि जगह कम है, किस तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं? ये बाहर लाइन लगाई जाती है, नीचे बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर लाइन लगाकर आठ आठ लोगों को यहाँ ऊपर लाया जाता है और फिर अंदर भेजा जाता है नीचे। कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने? ये दूर दूर से आ रहे हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं। बिजनौर के जिला कारागार जेल में जेल अधीक्षक ने कैदियों का मनोबल बढ़ाने और समाज में काबिल बनाने के लिए जेल में एक अनोखी शुरुआत की, जिसमें जेल के अंदर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखकर अपने अनोखे हुनर को दिखाया। इस अवसर पर बिजनौर DM अटल कुमार रॉय ने बताया कि कैदियों को रुचि के आधार पर जेल में कंप्यूटर लगाए गए हैं, साथ ही उन्हें ट्रेंड करने का काम भी किया जाएगा, जिससे वो बाहर निकलकर अपने भविष्य को बनाकर सही रास्ते पर चल सके। इसके अलावा जल्द ही जेलर की अगुवाई में हम PPT मॉडल के माध्यम से एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे जेल में कैदियों के बनाए गए सामान को मार्केट में बेचकर उन्हें रुपया कमाने का अवसर भी मिलेगा। आज जनपद कारागार में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और इसके साथ ही कल्चरल प्रतियोगिताओं का जो है कार्यक्रम हुआ है, और इस अवसर पर मैंने देखा कि जो जेल के बंदी हैं उन्होंने बड़े उत्साह से इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और बहुत ही स्तरीय प्रदर्शन उन्होंने किया है, और इस प्रकार के सकारात्मक कार्यक्रम करने से इन बंदियों के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, उनमें उत्साह आता है, और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे जेल के सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी पूरी टीम ने इस प्रतियोगिता को बहुत अच्छे तरीके से संपादित किया, और इसके अतिरिक्त आज कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का भी यहां पर उद्घाटन हुआ है, और इस कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र से जो इच्छुक बंदी हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होगा और आगे चल करके वो जो भी जीवन जिएंगे उसमें इस प्रशिक्षण का बहुत बड़ा योगदान होगा और इससे उनको रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। और हम लोगों का ये भी एक योजना है कि इस जेल को हम लोग जो है PPT मॉडल पर यहाँ पर एक ऐसी यूनिट लगाए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में, ताकि यहाँ के बंदियों का जो हुनर है उससे कुछ उत्पादन किया जाए और उससे विक्रय जो हो उससे बंदियों को भी एक आय हो, और भावी जीवन में जब भी वो इस जेल से निकले तो उनके पास एक ऐसी उपलब्धि हो, एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट से युक्त हो कि जो भी वो जीवन जिए उसमें वो स्वावलंबी हो सके।
सिद्धार्थनगर के थाना सदर के अपोलो अस्पताल में गलत इलाज के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन बच्चे की डेड बॉडी को लेकर थाने पहुंच गया। वहां पहुंचकर परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से इसी तरह के कई अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जहाँ झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि 2 नवम्बर 2018 को मेरे बेटे का जन्म हुआ अपोलो हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर, इसमें डॉक्टर कक्कसा खान के द्वारा ही पूरी इलाज की गई थी। फिर वहाँ पर कुछ साफ सफाई की व्यवस्था ना होने के कारण कायदे से उस बच्चे को इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद उसको फोड़ा सर में जब निकल गया तो मैंने उनके हस्बैंड डॉक्टर अब्दुल्ला को दिखाया, तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने दवा दिया और फिर कहे 2 दिन के बाद आइए पुनः दवा मतलब दिखाइए। तो हम लोग 2 दिन के बाद पुनः गया, फोड़ा तब तक और बड़ा होने लगा, तो उन्होंने कहा उसके अंदर मवाद आ गया है, उसको हम थोड़ा सा निकाल देंगे, इसके बाद वो सही हो जाएगा। अब आप लोग दोनों लोग बाहर बैठिए, डॉक्टर अब्दुल्ला उनके साथ 2-4 लड़के और जो वो स्टाफ हैं वो लोग अंदर गए और हम लोग को बाहर करके और दरवाज़ा बंद करके उसको लगभग 2 इंची का चीरा उसके सर पर मार दिए, जबकि बच्चा 14-15 दिन का था। और ये बातें हम लोगों को जब गोरखपुर गए तब पता चला कायदे से कि ये इसके अंदर 2-3 इंच का चीरा मारे हैं। और इसके बाद जब हाँ चीरा मारने के बाद एक दिन कहे कि 2 दिन के बाद पुनः आइएगा, ड्रेसिंग होगा। और इसके बाद ड्रेसिंग फिर हम लोग 2 दिन ना रुक कर दूसरे दिन ही बच्चा वहाँ पर पहुँचा, मतलब लेके जाना पड़ा क्योंकि वो काफ़ी कहर रहा था, चिल्ला रहा था। तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा इसको तत्काल गोरखपुर लेके जाइए, हम तत्काल गोरखपुर के लिए रवाना हुए। वहाँ पर डॉक्टर राजेश गुप्ता डॉक्टर वीवी गुप्ता दोनों क्लिनिक पे गए, उनके दोनों सेकंड डॉक्टर कहे कि हम ऐसे बच्चे को नहीं ले सकते जिसका सिर पे लगभग 2 इंची का चीरा, हमको वहाँ पता चला कि ये इतना बड़ा ये चीरा मार दिए हैं और इसे कहे काफ़ी इन्फेक्शन भी फैल गया, सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, आप किसी और हॉस्पिटल में जाइए। फिर इसके बाद हमने उसको काना चिल्ड्रेन में लेके गए और वहाँ पर एडमिट किया। उन्होंने भी कहा कि देखिए ये चीरा तो अधिक लगा दिया है डॉक्टर, और इसके कारण इसको इन्फेक्शन भी फैल गया, और डॉक्टर की डिग्री देखने के बाद कह रहा है इसको तो सर्जन भी नहीं है और ना कुछ है, ये किस प्रकार से इसने चीरा लगाया, वो भी 14 दिन का डॉक्टर है। सारे डॉक्टर जो भी उनकी टीम गठित थी सारे लोगों ने एक ही सवाल किया कि आपने चीरा क्यों लगवाया, और चीरा लगने के कारण ही बच्चा इन्फेक्शन जोन में काफ़ी जा रहा है और इसके कारण वही डेथ का कारण भी बना। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला और अपोलो हॉस्पिटल ये सब पे कठोर कार्रवाई की जाए, उनके स्टाफों पे, ये लोग जो जिस लायक पद पे हैं भी नहीं उससे अधिक वो काम कर रहे हैं, ताकि हमारे साथ साथ किसी अन्य बाप का भी मतलब गोद ना हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा पर बटेश्वर तीर्थ में सभी सांप्रदायों के हजारों साधु संतों नागाओं ने 5वें महाकुंभ का 2रा शाही स्नान किया, साथ ही नंगे पैर तीर्थ की परिक्रमा लगाई और अस्त्र शस्त्रों हैरत अंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। मेला बटेश्वर में बीते एक दशक से साधु संतों के 3 शाही स्नान और परिक्रमा होती आ रही है। मेला बटेश्वर में बीते एक दशक से बाबा बालक दास के सानिध्य में हजारों साधु संत शाही स्नान करते आ रहे हैं। शासन से बटेश्वर तीर्थ का 5वां महाकुंभ बनाए जाने की मांग कर रहा है संत समाज। नाम संध्या है, यहाँ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, मनोकामना यहाँ हर किसी की पूरी होती है, इसीलिए मैं इच्छा लेकर आई हूँ। और यहाँ बहुत भीड़ है, दिक्कत भी बहुत हो रही है, मनोकामना लेकर आई हूँ तो मेरी भी पूरी होगी। मैं कन्नौज जिला से आई हूँ, सौरिक से। मैं इटावा से आया हूँ, मेरा नाम है मेरा, और मैं यहाँ पिछली बार भी आया था, मेरे गाँव में हिंदू है इसलिए मैं दोबारा आया हूँ, इसके अंदर मुझे मेरी श्रद्धा भी। अच्छा, और यहाँ कब से आ रहे हो आप? यहाँ 2-3 बार आ चुके हैं हम, और यहाँ मेरे को श्रद्धा है और मैं अच्छा लगता है। यहाँ आने से कोई काम बना आपका? यहाँ आने से कोई काम बना है? हाँ, मेरा काम बना है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर IRCTC द्वारा संचालित एग्जीक्यूटिव लाउंज में के कर्मचारी के साथ कुछ तथाकथित टैक्सी चालकों ने हाथापाई की। वहीं एग्जीक्यूटिव लाउंज के मैनेजर हरेंद्र का कहना है कि यात्री एग्जीक्यूटिव लाउंज में आ रहे थे, तभी उनके कर्मचारी उनको आने के लिए अंदर बोल रहे थे।
कुछ टैक्सी चालकों के अंदर आकर हाथापाई कर दी। मैनेजर ने हाथापाई का वीडियो वायरल किया। वहीं एग्जीक्यूटिव लाउंज मैनेजर ने लिखित शिकायत आगरा कैंट जीआरपी पुलिस को दे दी, जिसके आधार पर जीआरपी पुलिस आगरा कैंट ने 4 टैक्सी चालकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे तो कल शाम को मालूम हुआ है, कुछ टैक्सी वाले और ऑटो वाले उसमें वहाँ गए हैं, उनके साथ किसी शिकायत करने जी। मैनेजर के पास में वहाँ पता चले कि उनमें कुछ मारपीट हुई है, क्या कारण हुआ ये तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। बाकी ये IRCTC के 4-5 आदमी हर समय प्लेटफार्मों पे घूमते रहते हैं और हर मुसाफिर को तय करके लाउंज के लिए कन्वेंस करते हैं, जबकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है किसी भी रूप में प्लेटफार्म पे कन्वेंसिंग ना जायज है। और IRCTC ने यहाँ पूरा बना रखा है अपना, जब तक पर्यटक उनके साथ नहीं जाता है गाड़ी वो बुक करते हैं वहीं से और उधर लेके जाते, नहीं जाता तो उसको जो इस तरीके से कर देते, प्रीपेड टैक्सी के बारे में या ऑटो के बारे में कतई नहीं बताते। इसी में जब 21 तारीख की बात है तो 21 तारीख को सुबह 9:10 के आसपास 10:30 हो रहा होगा, तो ताज एक्सप्रेस से पैसेंजर उतरे, वो लाउंज की तरफ आना चाहते थे, लाउंज में आ रहे थे, लेकिन कुछ लपकों ने उनको रोक लिया। जब रोक लिया तो जो हमारा कर्मचारी था उसने बोला कि आने दो भैया इनको अंदर, इसी बात पर वो चिढ़ गया और हमारे जो कर्मचारी था उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। पुलिस में इसकी तहरीर या कुछ दी है? हाँ, एप्लीकेशन दी है लिख के। ताजनगरी आगरा को एक बालिका विद्यालय की सौगात मिली है। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरोली अहिर के कलाल खेरिया में एक बालिका आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस विद्यालय का उद्घाटन सांसद चौधरी बाबूलाल ने सरस्वती की प्रतिमा का दीप जलाकर किया और फीता काटकर किया। इस अवसर पर उप शिक्षा निदेशक RP सिंह भी मौजूद रहे। इस विद्यालय में बालिकाओं के रहने, पढ़ने, खाने आदि की सुविधाएं सरकार द्वारा स्कूल में दाखिला लेने वाली बालिकाओं का निःशुल्क किया जाएगा। मैं RP शर्मा, उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ से हूँ। जी, आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आज और क्या आपको संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पे बालिका छात्रावास है, यहाँ पर 6 बच्चियाँ यहाँ पर रहेंगी और उनका भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ पर, चूँकि गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज के साथ ऐसी बच्चियाँ जो गरीब हैं जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो यहाँ पर रह करके विद्याध्ययन करेंगी और उन बच्चियों को निःशुल्क भोजन और पढ़ाई की पूरी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। उसके लिए चौकीदार, खाने के रसोइयों की व्यवस्था, वार्डन की व्यवस्था, भारत सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की जा चुकी है। गोरखपुर जिले की पुलिस टीम पर फायर झोंककर भाग रहे 25,000 के इनामी बदमाश परवेज अंसारी को उसके 4 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस और 2 बाइक बरामद किए गए। सीओ गोरखनाथ और क्राइम प्रवीण कुमार ने बताया कि जिले के स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर आधार पर पुलिस ने 4 फाटक रेलवे क्रॉसिंग के पास से 2 बाइक सवार 6 बदमाशों को रोका। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। टीम ने खुद को बचाते हुए 5 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। परवेज 4 मुकदमों में वांछित था और 2 साल से फरार चल रहा था। सभी बदमाशों के विरुद्ध जनपद के कई थानों में आधे दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। परवेज अंसारी इस गैंग का लीडर है। बदायूं के छगनपुर गांव में पैसे न देकर गलत मेडिकल बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल थाना मुजेरिया के छगनपुर गांव में निशरवानों को पड़ोस में झगड़ा हो गया था। मारपीट में निशरवानों के सिर में गंभीर चोट लग गई और साथ ही शरीर में गुम चोटें भी आई। निशरवानों ने इसकी रिपोर्ट थाना मुजेरिया पर दर्ज कराई, जहां पुलिस ने तत्काल उसे मजरून चिट्ठी देकर CHC केंद्र सहसवान पर मेडिकल के लिए भेज दिया। चिट्ठी लेकर पीड़िता जब अस्पताल पहुंची तो वहां पर तैनात डॉक्टर सरिता तोमर ने पीड़िता के पति नफासत से अच्छी धाराओं में मेडिकल करने की 2,000 रुपये मांगे, लेकिन जब पीड़िता ने पैसे देने से मना कर दिया तो डॉक्टर सरिता तोमर भड़क गए और गलत रिपोर्ट बनाने की धमकी देने लगे। 2 दिन बाद जब मेडिकल रिपोर्ट थाने पहुंची तो दरोगा ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर की काली करतूत से क्षेत्र में व्यापक चर्चा है। हमारी जो बहन है उनके यहाँ झगड़ा हो गया था। झगड़े में हमारी बहन की काफी चोट सर में आई है और सर में आने के बाद हमारी बहन हुई और हम जो जब झगड़े के उपरांत हमें खबर पता तो थाने पहुंचे। थाने पहुंचने के बाद SO साहब मजरिया, उन्होंने मजरूमी चिट्ठी बनाकर हमें सरकारी हॉस्पिटल यहां के लिए इन्हें भेज दिया गया
उसके बाद ये साहब डॉक्टर साहब जो तोमर साहब थे उन्होंने शरद तोमर तो उन्होंने ये कहा इन्होंने कि मुझे 2000 रुपए दो तो मैं आपका मेडिकल अच्छे तरीके से इसमें जान डाल दूंगा। उसके बाद इनके पास थे नहीं पैसे, इन्होंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, तो बोले ठीक है 100 रुपए ही दो बाकी जो है। तो इन्होंने फिर देने से इनकार किया मेरे पास और है ही नहीं, तो उन्होंने वो 100 रुपए भी ले लिए। इसके बाद फिर मेरी बहन साहब इसके उनका मेडिकल खराब कर दिया, और खराब करने के बाद साहब आज उसकी स्थिति इतनी गंभीर है कि वो हॉस्पिटलाइज है। घर में हो गया झगड़ा था साहब, और यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो गया था तो मारपीट हुई थी उसमें, हमारे बच्चों के नीचे सर में चोट लगी थी। हम थाने गए थे, थाने में हमने FIR लिखाई थी, उन्होंने एसओ साहब ने हमें रेफर कर दिया कि जाओ आप सेजमान डॉक्टरी करा लाना इनकी। हम गए साहब सेजमान के बाद में उन्होंने डॉक्टर साहब ने मांगे थे 2000 रुपये सैफ तोमर सिंह ने। किस बात के? वो डॉक्टरी कराई के सही से रिपोर्ट तुम्हारी बना दूंगा मैं। हमने कहा हमारे पास पड़े 100 रुपये, मैं कल के लिए दे दूंगा। बोले नहीं अभी चाहिए नहीं तो आपकी मेडिकल खराब कर दूंगा मैं। हम साहब घर के लिए लौट आए थे, उन्होंने मेडिकल हमारा खराब कर दिया। मेडिकल में कुछ आपकी चोटें वगैरह नहीं लिखी उन्होंने? नहीं कुछ नहीं लिखा था उन्होंने। फिर क्या साहब हम थाने दे दिए हमने लाके। तो आपकी पत्नी की हालत कैसी है? हालत क्या, अस्पताल में भर्ती है वो। बिलारी के सभी थानों में झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी थाना अध्यक्ष और क्षेत्रीय अधिकारी वीरपाल सिंह मौजूद रहे। अन्य पुलिसकर्मी समेत सभी ने शुभ अवसर पर झंडे को सलामी दी। क्षेत्रीय अधिकारी वीरपाल सिंह ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू ने PSC को पुलिस के ध्वज के साथ सलामी दी थी। यहाँ सलामी के वक्त सभी पुलिसकर्मियों ने पब्लिक के प्रति विश्वास और उनके बीच जाकर कानून से काम करने की बात कही। आज 23 नवंबर 1952 को उस समय के प्रधानमंत्री जी श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस PSC को ये पुलिस का ध्वज प्रदान किया गया था। तभी से पुलिस ध्वज जो है ये हर जगह जो है हर जिले में आप देखते होंगे गार्ड रूम पर पुलिस ध्वज जो है फहराया जाता है, और तभी से ये परंपरा बढ़ी है। ये हमारी पुलिस के बल के लिए शौर्य गाथा का प्रतीक है, और जिससे ये हमें प्रेरित करता है कि हम लोग समाज में रह करके उच्च कोटि के कार्य करें और जनता में अपने उसका विश्वास बढ़ाएं और अपराधों पर और अपने कर्तव्यप्रांता पर उच्च कोटि का प्रदर्शन करें। फिलहाल इस वक्त यूपी स्पेशल में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।